हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गार्लिक चिकन। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिए। इसके कुछ इस तरीके के पीसेस ले लेना है। इसे मैंने अच्छी तरीके से धोकर ले लिया है। इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं, 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच यहाँ पर हम काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने इसे घर पर ही पीस कर ली हूँ। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और अंडे की वाइट जर्दी ऐड करेंगे। जर्दी नहीं डालना है इसमें, सिर्फ वाइट कलर का डालना है। इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर आटा ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बर्तन में 1 चम्मच तेल ले लिए। यहाँ पर तेल की क्वांटिटी कम लेना है। इसमें जो हमने ये चिकन में मिक्स करके रखे हुए, ये इसमें ऐड कर देते और इसे अच्छी तरीके से छुट्टा छुट्टा कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो इसे जब पैन में डालते तो सिंगल सिंगल भी आप डाल सकते हैं। इसे हम ढक कर आधे से 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। ये देखिए, आधा मिनट हो चुका है, ये चिकन अच्छी तरीके से गल गया है, पक गया है। तो अभी हम इसे टर्न कर लेते हैं और अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी होगा, वो एक्स्ट्रा ऑयल इसमें पानी है वो इसमें ही सुखा लेते हैं। देखिए, इसके सिंगल सिंगल पीसेस निकल रहे हैं। हमने बोनलेस चिकन यूज़ किया यहाँ पर और इसका पूरा पानी है वो सूख जाए तो यहाँ पर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। लेकिन इसमें अभी थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा है तो हम इसे पूरी तरीके से ड्राई कर लेते हैं। ये बहुत ही झटपट और बहुत ही इंस्टेंटली बन जाता है। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं लगता है तो ये खासकर बच्चों को बहुत पसंद आता है। और ये देखिए, यहाँ पर हम इसे प्लेट में निकाल रहे हैं, जैसा कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो पूरा सूख गया। इसलिए जैसा कि यहाँ पर हम बटर गार्लिक चिकन बना रहे हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पर वही पैन में 1 चम्मच बटर ले लिए। बटर मेल्ट हो जाए इसके अंदर मैंने 8 से 10 जो लहसुन है उसकी कलियों को इस तरीके से चॉप करके लिए, एकदम बारीक चॉप करके लेना है और ये अच्छे से सॉटे हो जाए। उसके बाद में यहाँ पर हम 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसमें हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को 1/2 कप पानी के अंदर मिक्स करके लिए और ये बैटर को इसमें ऐड कर देते हैं और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अभी हम चिकन ऐड कर देते हैं और 1/4 चम्मच यहाँ पर हमने विनीगर ऐड किए हैं। अगर आप चाहो तो इसमें नींबू पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर विनीगर ऐड करी। और 2 चम्मच यहाँ पर हम चिंग्स का शेजवान चटनी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये मिक्स हो चुका है तो इसमें हम ऊपर से हरा धनिया डालकर इसे रेडी कर दिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।